जिंदगी में हमने कई हॉरर स्टोरीज सुनी हैं, लेकिन ये कहानी दुनिया की सबसे पॉपुलर हॉरर डॉल एनाबेला डॉल की है। एनाबेला की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब डोना को उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट करी। डोना को डॉल्स बहुत पसंद थी, इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद डॉल से खेलना पसंद करती थी। डोना अपने दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना को अपनी डॉल बहुत पसंद थी। कुछ दिन बाद जब डोना अपने कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि डॉल तो सोफे पर पड़ी है, लेकिन वो तो उसे बेड पर छोड़ के गई थी। लेकिन डोना ने इस बात पर गौर नहीं किया। कुछ टाइम बाद डोना की दोस्त एनी ने उसे बताया कि उसने उस डॉल को अपने रूम में देखा और उसे उस डॉल में से किसी की हंसने की आवाज़ें भी आती हैं। अब डोना और एना दोनों डॉल की हर एक्शन पर नज़र रखने लगे। कुछ वक्त में ही उन्हें समझ में आ गया कि डॉल में कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने एक एग्जॉर्सिस्ट को बुला लिया। उस एग्जॉर्सिस्ट ने बताया कि इस डॉल पर किसी की आत्मा है जो कुछ तो चाहती है। एग्जॉर्सिस्ट ने इस सब का पता लगाने के लिए मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स लॉरा एंड एडलोरा की मदद ली। बहुत इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि इस डॉल में किसी शैतान का कब्जा है। डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता है और ताकतवर होना चाहता है। एग्जॉर्सिस्ट ने उस घर का एग्जॉर्सिज्म किया और डोना और एना से वो डॉल लेकर वहाँ से चला गया। अब वो डॉल एक म्यूजियम में मौजूद है।